हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज अपन और आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस तब हमको काम आता है जब हमको दो मिरर्स दिए हो और दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया हो, तो डेफिनेटली एक मिरर उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो हमको मेन मेन चीजें देखनी है जो हमारे एग्जाम पर्पस ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो, है ना। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है हमको वो देखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। सुनिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए दो मिरर्स हैं, एक मिरर ये रहा, इसको मैं M2 बोल रहा हूं, और एक और मिरर ये रहा बेटे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, M1, राइट। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट को दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो सिमेट्रिकली रख सकते हैं और एक एसिमेट्रिकली। ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखना इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर रखना, है ना। ऐसी लाइन जो इन मिरर के बीच के एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, है ना, बाइसेक्टर लाइन जो है, अगर आपने उस पे ऑब्जेक्ट को रखा O को, तब हम बोलेंगे कि आपने कैसे रखा, सिमेट्रिकली रखा, ऑल राइट। लेकिन यदि आपने ऑब्जेक्ट को कहीं और रख दिया, यहां रख दिया या कहीं और रख दिया, तो हम फिर क्या बोलेंगे, आपने उसको एसिमेट्रिकली रखा है। कैसे रखा है, एसिमेट्रिकली, ऑलराइट। तो दोनों में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस जो है उसमें हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली स्टेप जो है स्टेप वन, स्टेप वन हमको बोलती है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 360 बाय थीटा, 360 बाय थीटा की वैल्यू निकालो, 360 बाय थीटा की वैल्यू निकालो, फिर देखो कि ये इवन है कि ऑड है। स्टेप टू, अगर 360 बाय थीटा जो है वो क्या है, इवन है, क्या है, इवन है, तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है। बोथ केसेस में, बोथ केसेस, चाहे आपने सिमेट्रिकली रखा हो चाहे एसिमेट्रिकली रखा हो, दोनों में नंबर ऑफ इमेज जो है वो कितनी होगी, 360 बाय थीटा माइनस वन, ऑल राइट। अगर हम स्टेप थ्री की बात करें, स्टेप थ्री, मान लो 360 बाय थीटा की वैल्यू जो है वो ऑड आ गई, कैसी आ गई, ऑड आ गई। अगर इसकी वैल्यू ऑड आ गई तब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है। अगर हमने इस केस में सिमेट्रिकली रखा है तब नंबर ऑफ इमेज जो है वो 360 बाय थीटा माइनस वन होगी, लेकिन अगर अपन ने इसी केस में कैसा रखा है, एसिमेट्रिकली रखा है, तब जो नंबर ऑफ इमेज है वो कितनी होगी, 360 बाय थीटा। क्लियर है क्या बात। एक और स्टेप देख लो, स्टेप फोर, हो सकता है कि हमने 360 बाय थीटा निकाला हो और 360 बाय थीटा न तो ऑड आया हो न तो इवन आया हो, ये एक फ्रैक्शन आया हो, क्या आया हो, फ्रैक्शन, डेसिमल में आया हो, फॉर एग्जांपल, है ना, ये डेसिमल में आया है, ये डेसिमल वैल्यू आई है इसकी कुछ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंटीजर नहीं आया है, मान लीजिए 7.3 आया है इसकी वैल्यू, तब हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो नंबर ऑफ इमेज है वो 7 होगी, हम इसका इंटीजर वाला पार्ट ले लेंगे और उसी को बोलेंगे कि वो नंबर ऑफ इमेज है, ऑल राइट। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम आगे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनिए बेटा, हमको बोला कि यार हमारे पास ऐसे दो मिरर्स हैं M1 और M2, और दोनों के बीच का जो एंगल है सपोज करिए कि वो 30 डिग्री है, ठीक है, और हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इन दोनों के बीच में ओ, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए, 360 बाय थीटा की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो ये हो जाएगी 360 अपॉन में थीटा कितना है, 30 डिग्री, ऑल राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12, 12 3 36। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, इवन है, ये वैल्यू इवन है, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि हमने सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है। तो चाहे हमने सिमेट्रिकली रखा हो ऑब्जेक्ट को, चाहे एसिमेट्रिकली रखा हो, दोनों केस में नंबर ऑफ इमेज कितनी आएगी, 12 - 1 दैट इज इक्वल टू 11 इमेजेस। क्लियर है क्या बात। इवन के केस में कोई टेंशन नहीं है, चाहे सिमेट्रिकली रखो चाहे एसिमेट्रिकली रखो,
नंबर ऑफ इमेज जो है वो सेम आएगी कितनी, 12 माइनस वन, मतलब जो 360 बाय थीटा माइनस वन। ठीक, आइए और केस देखते हैं अपन। मान लीजिए कि ऐसा रख दिया हमने, और मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल सपोज करिए, दोनों के बीच का एंगल अपन ले लेते हैं सपोज 72 डिग्री। ऑलराइट, तो 360 बाय 72 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, और 5 जो है वो क्या ऑड, 5 जो है वो क्या है ऑड है, यानी कि आपने आप ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकली रखना मतलब बाइसेक्टर लाइन पे रखना, एसिमेट्रिकली रखना मतलब बाइसेक्टर लाइन के ऊपर या नीचे रखना। बाइसेक्टर मतलब जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर आपने सिमेट्रिकली रखा हो, अगर आपने सिमेट्रिकली रखा हो, तब जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो होगी 5 - 1, दैट इज 4। और अगर आपने एसिमेट्रिकली रखा हो तब नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, डायरेक्ट 5 के बराबर। ठीक है क्या बेटा, बड़े आगे एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए अब कोई इंटीजर भी आ जाए, मतलब देख लेते हैं आगे, मान लो जी ऐसा है कि ये जो है अपना, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 50 डिग्री मान लेते हैं। तो अगर अपन यहाँ पे 360 बाय 50 निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 point something, अप्रोक्सीमेटली क्या इज इक्वल टू 7 point कुछ आएगा। अरे सही है, तो अगर ये 7 point कुछ आएगा तो जो इंटीजर पार्ट है वो कितना है, 7 है। जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट है वो कितना है, 7। और जो इंटीजर पार्ट होगा वही हमारी नंबर ऑफ इमेजेस होगी। ठीक है, तीनों केस हमको याद रखना है। ये 7 point कुछ 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 आता, लेकिन हमको कुछ 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 से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इंटीजर से मतलब है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कशन और करते हैं। हम बात करना चाहते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। इसकी स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स की बात करें अगर हम, तो यहां पर हमको दो टाइप के मिरर की बात करना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिनको हम अवतल और उत्तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल और उत्तल। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर एक स्फीयर है, हमारे पास क्या है यहां पर एक स्फीयर, स्फीयर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ग्लास का स्फीयर है ना। अब ऐसा करते हैं अपन कि यहां पर हम इस साइड को क्या कर देते हैं, इसे पॉलिश कर देते हैं, और यहां पर हम इस साइड को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ऐसे बढ़िया। ठीक है, अब हम क्या करें, मान लीजिए इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। अब यदि हम इतना पार्ट काट लें और यहां से इतना पार्ट काट लें और दोनों को सेपरेटली एनालाइज करें, इसको सेपरेटली एनालाइज करें और इसको सेपरेटली एनालाइज करें, तो समझना बात को, जब मैं इस पार्ट को निकालूंगा तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, और जब मैं इस पार्ट को निकालूंगा तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये रही, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये रही। तो ऐसे वाले जो मिरर बनता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, और ऐसा वाला जो बनता है उसको हम बोलते हैं कॉनवेक्स। ऑलराइट, एक बनता है कॉनकेव और एक बनता है कॉनवेक्स। कॉनकेव को फिर हम अवतल बोलते हैं और कॉनवेक्स को उत्तल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये आर जो है, आर, ये आर कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आर क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जिसे हिंदी में वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसी चीज को, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसको डिटेल में समझते हैं अपन, एक काम करते हैं। आइए, जैसे
हमारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर में से हमने इतने पार्ट को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया, तो अंदर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो गई। अरे सही बात है। अब हम इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, जो इतना पार्ट है बचा हुआ वो मिरर की तरह काम करेगा, उसको हम अलग से बना लेते हैं। यहां पे ये रहा, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला मिरर की तरह काम करेगा। तो यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको समझनी है, वो चीजें क्या है सुनना ध्यान से। पहली चीज तो है आर, आर, ये आर जो है ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है कि ये जो मिरर हमने बनाया है, ये जिस बड़े से स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का जो सेंटर है, ठीक है, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा सी, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप ज्वाइन करोगे ऐसे इस मिरर से, तो ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पोल। और जो हमारी ये लाइन है, ये हमारी जो लाइन है, जो हमने ये लाइन बनाई है, ये वाली, ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलराइट, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, अगर आप और ध्यान से देखें तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच की दूरी है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर हम पी और एफ या एफ और सी के जो बीच की दूरी है उसको एफ से डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम फोकल लेंथ भी बोलते हैं। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि एफ और एफ का सम, टू एफ जो है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो एफ कितना आ गया आपका? आर बाय टू। यहां पर जो आपका F है इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो ये कुछ कुछ नॉमिनक्लेचर है, ये इसका पोल कहलाता है, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जिस बड़े से स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, उस बड़े से स्फीयर की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, और उस बड़े से स्फीयर का सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सी जो है यहां पर क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और एफ जो है ये फोकस है, जो एफ जो है ये क्या है? फोकस। अब सेम टू सेम ये हमने किसके लिए एनालाइज किया? ये हमने एनालाइज किया कॉनकेव के लिए। कॉनकेव, केव बन रहा है अंदर, गुफा, केव बन रहा है, वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। ये कौन सी साइड है? ये हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड है। ऐसा का ऐसा ही बात हम किसके लिए भी कर सकते हैं? कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। आ जाइए, ये हमारा स्फीयर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हमारा स्फीयर, ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस जो है वो आर है, और इस स्फीयर की हमने एक साइड को सिल्वर कर दिया, सिल्वरिंग कर दी उसकी ऐसे अंदर से, समझ रहे हो बात को? सिल्वरिंग कर दी तो बाहर की साइड जो है वो क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई। बाहर की साइड जो है वो क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई। फिर इसको काट के हमने अलग कर लिया ऐसे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? पोल। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? पोल। ये मिरर जिस बड़े से स्फीयर का पार्ट है, उस बड़े से स्फीयर का जो सेंटर है वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाएगा, उसे बोला जाएगा फोकस, और यहां से यहां की दूरी को और यहां से यहां की दूरी को डिनोट किया जाएगा एफ से। एक्चुअली वो पी से एफ बोलते हैं अपन, पी से एफ की दूरी जो है वो फोकल लेंथ होती है। और ये जो F और F है, F प्लस F जो है ये किसके बराबर होगा? R के। तो F कितना आ जाएगा? R बाय टू। ऑल राइट,
तो ये जो है ये कॉन्वेक्स के लिए बात है, कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर की साइड है ये वाली, ये जो है हमारी कौन सी साइड होगी बेटे, रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, है ना। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण, आर जो है वो क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वही कहानी है, आर जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और सी जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बात, आगे की बात करते हैं, आइए कन्वेंशंस की बात कर ले, साइन कन्वेंशंस की। साइन कॉन्वेंशंस आइए, साइन कन्वेंशंस में पहली चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि सारे मेजरमेंट्स हम पोल से करेंगे, ऑल द मेजरमेंट्स विल बी डन फ्रॉम पोल। ठीक है, सारे मेजरमेंट्स हम कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। सेकेंड, जो काम की रेज है, काम की रेज मतलब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज है जो मिरर की तरफ जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज है जो मिरर की तरफ जा रही है, उन रेज की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, है ना। तो अपन थोड़ा सा अलग भाषा में समझते हैं, काम की रेज, काम की रेज मतलब जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है और मिरर की तरफ जा रही है, तो काम की रेज की डायरेक्शन को अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे। तीसरी चीज, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, सुनना आप ध्यान से बेटे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो चीज है ये क्या है, उसका पोल, और हमने जो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, मान लीजिए ऐसे रख दिया, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से काम की रेज मिरर की तरफ जा रही है ऐसे, तो हम पोल से इस साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और इस साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि हमने लिखा है कि काम की रेज की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। ऑल राइट, तो अगर किसी ने हमसे बोल दिया, मान लीजिए कि ये दूरी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, कितनी 5 सेंटीमीटर, तो किसी ने हमसे बोल दिया कि बताओ व्हाट इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हम यू से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, यू से। तो मैं बोलूंगा कि सारे मेजरमेंट मैं करूंगा कहां से, पोल से करूंगा, तो पोल से मैंने चलना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट की तरफ, इधर गया कितना चला, 5 चला, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में चला, नेगेटिव में चला, तो मैं क्या लिखूंगा, -5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हो गई पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात, बोलिए, आइए और समझते हैं अपन इस बात को, साइन कन्वेंशंस की कहानी को और समझते हैं। जैसे मान लीजिए मान लो आप बेटा कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर है, और मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई इमेज भी बनाई है, कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, इस ऑब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूं, किसी और ऑब्जेक्ट की कोई इमेज बनी है ऐसे, ये क्या बनी है, किसी और ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की। तो यहां पर अगर आपको बोला जाए कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है +5 सेंटीमीटर। +5 क्यों बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, अपन ने थर्ड कन्वेंशन में देखा है।
और प्रिंसिपल एक्सिस से जब नीचे जाते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है आप क्या लिखोगे, माइनस फोर लिखोगे, आप प्लस फोर नहीं लिखोगे, क्योंकि आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चले गए। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को और समझते कन्वेंशन को? आइए, जैसे मैं थोड़ी सी चर्चा फोकल लेंथ पे कर लेता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, इस प्रकार से ये कॉन्वेक्स हो गया यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये आपका कौन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो काम की रेज इधर जाएगी, है ना। ये किसकी डायरेक्शन है, ये काम की रेज की डायरेक्शन है, काम की रेज, काम की रेज इधर जा रही है, मतलब पोल से नापोगे तो ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे और ये डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे। ऑल राइट, अब मान लीजिए कि फोकस यहां पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, तो ये जो दूरी होगी यही क्या कहलाएगी, आपकी फोकल लेंथ। तो ध्यान से देखो, आप जब फोकल लेंथ नापोगे तो आप पोल से कहां जाओगे, एफ की तरफ, यानी कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे। इसका मतलब कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर अपन यही चर्चा कॉनकेव के लिए करें तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये हमारा पोल, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तो हमको रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने रखना पड़ेगा ना यार, ऑब्जेक्ट को तुम रिफ्लेक्टिंग साइड के पीछे रख देंगे बेटा अगर अपन, तो इमेज कैसे बनेगी फिर। तो ऑब्जेक्ट को अपन ने रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने रखा तो काम की रेज, कौन सी रेज, काम की रेज, काम की रेज मतलब जो ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर की ओर जा रही है वो काम की रेज है। काम की रेज अगर इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और ये वाली होगी नेगेटिव। सारे मेजरमेंट्स हम पोल से करेंगे, तो मान लीजिए अगर ये आपका फोकस है तो जब आप पोल से फोकस की ओर आओगे तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलोगे, क्योंकि सारे मेजरमेंट आपको पोल से करने हैं। तो यहां पर आपको इसकी फोकल लेंथ क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो सवालों में हमको बोला जाता है कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ 5 है या कॉनकेव की फोकल लेंथ 10 है या कुछ भी है, लेकिन हमें अपने साइन कन्वेंशंस लगा के, हमें अपने साइन कन्वेंशंस लगा के चूज करना पड़ता है इसे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या सीखेंगे बेटा अपन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, इसे मान लीजिए हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इसका फोकस है। तो पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तब रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से, या फिर फोकस से गुजरती हुई लगेगी। जैसे ये तो हमने कौन सा केस लिया, कॉनकेव, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉनवेक्स की। तो ये हमारा कॉनवेक्स बन गया बेटे, ऑल राइट, और यहां पर जो है हमारा फोकस है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो हमको ऐसा लगेगा कि या तो फोकस से सही में गुजर रही है या फोकस से गुजरती हुई नजर आ रही है। कैसे, सुनना ध्यान से, समझ रहे हो बात, या तो फोकस से सही में गुजरेगी रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये पहला नियम है। जो दूसरा नियम है ना वो इसका उल्टा है। उल्टा मतलब कि अगर लाइट रे फोकस से गुजरे तो
तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, या फिर अगर लाइट रे ऐसे गिर रही है कि वो फोकस की तरफ जा रही हो तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो वो भी अपन देख लेते हैं, आ जाओ बेटा सेकंड वाला भी देख लेते हैं अपन। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, वो रूल क्या है सुनिएगा ध्यान से। ये हमारा मिरर कौन सा वाला बेटा, कॉनकेव, अवतल दर्पण बोलते हैं इसको हिंदी में, कॉनकेव। तो सेकंड हमारा जो नियम है वो ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे कहां से गुजर रही हो, फोकस से गुजर रही हो, कहां से गुजर रही हो, फोकस से गुजर रही हो, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट वाले नियम का ठीक ऑपोजिट है, यहां पर भी देख सकते हैं। इसे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटे, कॉनवेक्स हो गया। ये क्या हो गया, कॉनवेक्स। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, मान लीजिए कि ये है इसका फोकस, तो यहां पर हम ऐसा बोलेंगे कि अगर कोई लाइट फोकस पे आती हुई लगे, इस पे आती हुई लगे फोकस पे ऐसे, तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं, समझते हैं, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। आइए बेटा थर्ड की कहानी, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये हमारा फोकस, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर जो लॉ है वो क्या है, सुनना ध्यान से, कि अगर कोई किरण, किरण मतलब लाइट, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे तो टकराने के बाद वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, ऐसे गई और ऐसे ही लौट जाएगी, इसको बोलते हैं रिट्रेस, रिट्रेसिंग ऑफ ओन पाथ, अपने मतलब टकरा के फिर लौट गई वापस उसी पाथ पे। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो जीरो होता है इस पॉइंट पे, है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है, आपतन कोण जीरो होगा तो परावर्तन भी जीरो होगा, तो वापस ऐसे लौट जाएगी। ठीक है, ये किसकी बात करी हमने, कौन केव की। अब हम और बात कर सकते हैं किसकी, कौन वेक्स की। तो कॉनवेक्स में बेटे ऐसा होगा कि अगर हमको लग रहा है, अगर हमको लग रहा है कि वो कहां से गुजरने वाली है, वो सी से गुजरने वाली है, कहां से गुजरने वाली है, सी से गुजरने वाली है, तो टकराने के बाद वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, यानी कि अगर ऐसे आएगी ना, ऐसे आएगी तो ऐसे ही लौट जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड वाला हमने, सॉरी थर्ड वाला हमने देख लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे या सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होती हुई लगे, अगर कि अगर ये मिरर नहीं होता तो इसके सी से गुजर जाती, या फिर ये ऐसे आ रही है कि ये सी की लाइन में आ रही है, तब इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहां पर आई भी जीरो होता है और आर भी जीरो होता है, लाइट टकरा के वापिस लौट जाती है। ठीक, फोर्थ भी देखते हैं, फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला जो लॉ है वो ये बोलता है कि अगर पोल पर लाइट रे गिर रही है, किस पर, पोल पर, मान लीजिए पोल है आपका, तो पोल पर लाइट रे जिस एंगल पे जाएगी थीटा, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी थीटा, और ये होना भी चाहिए, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अगर अपन और भी आगे देखें तो इसके, इसी को अपन कॉनवेक्स के लिए भी बात कर सकते हैं, इसी लॉ की हम कॉनवेक्स के लिए भी बात कर सकते हैं। कॉन्वेक्स के लिए यदि हम बात करें तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई लाइट रे आ रही है पोल पर, कितना एंगल बनाते हुए,
थीटा एंगल बनाते हुए, तो वही थीटा एंगल बनाते हुए वो लौट जाएगी, लेकिन वो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, वो कहां पर गिर रही है, पोल पर। क्लियर है क्या बात? तो ये हमने बात करी कॉनकेव की और वो बात करी कॉनवेक्स की, ठीक है, क्या बात। हम और आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम मिरर फॉर्मूला देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर फॉर्मूला हम देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, कॉनकेव कैसी इमेजेस बनाता है, कॉनवेक्स कैसी इमेजेस बनाता है, लेकिन उसके पहले हम चाह रहे हैं कि हम मिरर फॉर्मूला देख लें। तो मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आइए इन सबका मतलब समझे। f क्या है? f इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। v क्या है बेटा? v जो है वो है ऑब्जेक्ट, सॉरी v जो है वो है इमेज पोजीशन। v क्या है? इमेज पोजीशन। और u क्या है? u है आपकी ऑब्जेक्ट पोजीशन। और ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि put all the values with sign convention, सारी की सारी वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ पुट करें, बिना साइन कन्वेंशन के पुट ना करें। समझ रहे हो बात को? एक और बात सुनो ध्यान से बेटा, इसको थोड़ा रीअरेंज करें अगर अपन, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v, या फिर u माइनस f अपॉन में fu इज इक्वल टू 1/v, या फिर v इज इक्वल टू fu अपॉन में u माइनस f। तो हमको ये तो पता है ही, लेकिन हमको है ना ये भी डायरेक्टली याद रखना चाहिए ताकि बार बार हम एलसीएम लेने में ना उलझे। फटाफट एफ यू की वैल्यू डालें विद साइन और हमारा आंसर किसका आ जाए, इमेज का, कि इमेज कहां पर है, ठीक है क्या बात। फिर अपन एक और चीज देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन देखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तभी हमें इन फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी हम फॉर्मूले तो देख रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले का यूज तब समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखें आप। मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, m आवर्धन बोला जाता है इसको। तो मैग्निफिकेशन जो है ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि माइनस वी बाय यू के बराबर होता है। अभी के लिए याद रखना है हमको, इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन फिलहाल हमको इसको याद रखना है। ऑल राइट, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि माइनस वी बाय यू के बराबर होता है। और ये भी याद रखना है कि पुट ऑल द वैल्यूज विथ साइन कन्वेंशन, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन समझते हैं अपन। मैग्निफिकेशन अगर मान लीजिए नेगेटिव आया या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब है कि जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है उनकी जो हाइट का नेचर है वो अपोजिट है। जैसे मानो नेगेटिव आया तो ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज ऐसी, या फिर ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज ऐसी। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया इसका मतलब ऑब्जेक्ट इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, सेम होगा हाइट के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? हाइट के टर्म्स में। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर, और ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज भी नीचे बनेगी। अगर पॉजिटिव है और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, मैग्निफिकेशन अगर 1 आता है प्लस 1, इसका मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर माइनस 1 आता है तो इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट है तो इक्वल, लेकिन इमेज ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, या ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है। तो एच आई और एच यू बराबर तो रहेंगे, लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा ऐसा कि ऐसा ऐसा होगा, और यहां पर मैं बोलूंगा कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। अभी एच आई और एच ओ को आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में समझो, ठीक है।
अगर मैग्निफिकेशन वन से बड़ा आता है, ग्रेटर देन वन, इसका मतलब जो है हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, वो अलग बात है कि मैग्निफिकेशन जो है वो माइनस टू हो गया या माइनस थ्री हो गया, मतलब इमेज मैग्निफाइड तो बनी है लेकिन उल्टी बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट के नेचर से ऑपोजिट बनी है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हमको डिटेल में आगे करनी पड़ेगी, फिलहाल आप मैग्निफिकेशन समझे। मैग्निफिकेशन मतलब कि हमारे मिरर ने ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई है वो बड़ी बनाई है या छोटी बनाई है। अगर ये लेस देन वन हुआ, इसका मतलब मैं मॉड की बात कर रहा हूं, किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्नीट्यूड अगर वन से ज्यादा हुआ तो जो इमेज की हाइट का मैग्नीट्यूड है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा रहेगा, है ना। यहां पर भी मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ही बात कर रहा हूं, यहां पर मैं साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर अगर मैग्निफिकेशन वन से छोटा हुआ, इसका मतलब जो इमेज बनेगी उसकी हाइट हमारे ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। ऑल राइट, तो यह बात हुई मैग्निफिकेशन की। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी डिफरेंट केसेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव की, है ना, कि कॉन्वेक्स मिरर के कितने अलग अलग केस होते हैं जिसमें वो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं तो अलग अलग टाइप की इमेजेस बनती है, कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।